गुड मॉर्निंग पिलामने आज अध्याय समस्त स्वागत चतुर्थ अध्याय पंचम पाठर कंटिन्यूशन रे आज आम पढ़ा विद्युत शक्ति रे किपरि ओडिसा रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जायतिला एवं ओडिसा रे विद्युत शक्ति रे किपरि उन्नति करा जायतिला तो एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा बु आसे तो भलसे एटा को प्रैक्टिस करिवो। सुनो, शिल्प विकास रो जीवन रेखा हेउची विद्युत शक्ति। स्वाधीनता प्राप्ति बेलू ओडिसा रे दुईटी तापज विद्युत केन्द्र थिला, गोटे चौद्वार ओ अन्यटि ब्रह्मपुरटारे थिला। 1948 मसिया रे हीराकुद जल विद्युत प्रकल्प रे कार्य आरंभ हला। 1957 रे कार्यक्षम हला। समय क्रमे ओडिसा रे परकुपर 6टि जल विद्युत प्रकल्प कार्यकारी हला। सेगुडी को हला हीराकुद जल विद्युत प्रकल्प, बालीमेला जल विद्युत प्रकल्प, रेंगाली जल विद्युत प्रकल्प, अपर कोलाब जल विद्युत प्रकल्प ओ अपर इंद्रावती जल विद्युत प्रकल्प ओ माछकुंड जल विद्युत प्रकल्प। ए समस्त प्रकल्पर जल विद्युत उत्पादनर सामर्थ्य थिला 1976 मेगावाट, जोटा बहुत 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 बेसी। यहाँ छड़ा इब ओ तालचे तापत विद्युत केन्द्रर सामर्थ्य थिला 880 मेगावाट। जल विद्युत ओ तापत विद्युत को मिसाई ओडिशार निजस्व विद्युत उत्पादनर सामर्थ्य थिला 2856 मेगावाट। बुझिपाइल, केन्द्रीय शक्ति ओ केन्द्र मानंकु ओडिशाकु किछि परिमाणरे विद्युत शक्ति मिले। ओडिशारे प्रतिष्ठित शिल्प मानकर निजस्व शक्ति केन्द्र माने किछि परिमाणरे विद्युत शक्ति ओडिशा ग्रिड कॉर्पोरेशन को देइथांति। विद्युत शक्तिर उत्पादन ओ सुषम बंटन पाई 1996 मसीहा एप्रिल 1 तारिखरे ओडिशार वैद्युतिक संस्कार आईन 1995 कार्यकारी होइथिला। 1996 मसीहारे एप्रिल 1 तारिखरे ओडिशा वैद्युतिक संस्कार आईन 1995 कार्यकारी होइथिला। एही आईन बळरे पूर्वरु कार्य करूथुबा ओडिशा राज्य विद्युत परिषद को पुनर्गठित करागला। ओडिशा राज्य विद्युत परिषदर कार्य दुई गोटी निगम को दिया गला। सही दुई गोटी निगम हला ओडिशा ग्रिड निगम ओ ओडिशा जल विद्युत शक्ति निगम। विद्युत सरबराह ओ वितरण दायित्व दिया गला ग्रिड को ओ जल विद्युत केन्द्र गुडिकर दायित्व दिया गला ओडिशा जल विद्युत शक्ति निगम को। ओडिशा शक्ति उत्पादन निगम हाथ में रहिला तापज विद्युत शक्ति केन्द्र मानकर कार्य परिचालना। ओडिशा शक्ति सरबराह निगम नामक अन्य एक संस्था शक्ति सरबराह दायित्व रे रहिले। विद्युत वितरण पाई वेस्को, नेस्को, साउथको ओ सेस्को नामक चारोटी घरोई संस्था को दायित्व दिया गला। सेस्को एबे सेसुरे परिणत हो जाइछ। ओडिशार ग्रामांचल को विद्युत शक्ति जोगाई देबारे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना 2006 मसीहारु उल्लेखनीय कार्य करूछि। कुटीर ज्योति योजना ओ ओडिशा मध्य ओडिशावासी को पाई बेस सहायक होईछि। 2007 मसीहारु ओडिशा सरकार आरंभ करिछंती बिजु ग्राम ज्योति योजना। बुझिपाइल, 2007 मसीहारु ओडिशा सरकार आरंभ कोन करिछंती बिजु ग्राम ज्योति योजना। एही योजना अनुसार 100 कम लोक बसवास करथुबा ग्राम मानंकु विद्युत शक्ति जोगाई दिया जाउछि। कृषि ओ शिल्प क्षेत्र को विद्युत शक्ति जोगाई देबा को ओडिशा सरकार प्रचेष्टा जारी रखिछंती। मानव संबल रे बे विकास कोन देखिबा, जे कोनोसी देश ओ प्रदेश रो सामूहिक उन्नति पई एक सुस्थ ओ प्रशिक्षित मानव संबल रा आवश्यकता रहिछि। वैषयिक शिक्षा पई शिल्प तालीम केन्द्र, यांत्रिक विद्यालय ओ यांत्रिक महाविद्यालय माने किपरि कार्य करुछंती से विषय रे मध्ये आलोचना होईछि। नुआ नुआ ज्ञान कौशल जथा सूचना प्रजुक्ति विद्या, कंप्यूटर विज्ञान, जैव जीव वैषयिक विद्या शिक्षा क्षेत्र रे ओडिशा रो उल्लेखनीय अवदान रहिछि। यहा व्यतीत ओडिशा रे अछि कला, विज्ञान, वाणिज्य पाठ्यक्रम संपर्कित अनेक कॉलेज। शिक्षक मानंकु प्रशिक्षण देबा पई अधिकांश जिल्ला रे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मान अछि। शिल्प मानव संबल ग्राम्य उन्नयन कार्यर परिचालना पई वाणिज्य विद्यालय मान ओडिशा रे युवक मानंकु प्रशिक्षण प्रदान करूछि। पर्यटन ओ शिल्प क्षेत्र रे उपयोगी हेला भळी प्रशिक्षण रो व्यवस्था मध्य ओडिशा रे उपलब्ध होउछि। पर्यटन ओ होटल परिचालना पई शिक्षा देबा पई भुवनेश्वर समेत अनेक शहर मानकर शिक्षानुष्ठान मान खोलिछि। ओडिशा रो ऐतिह्य ओ संस्कृति विषय रे प्रशिक्षण दिया जाय पर्यटक ओ पथ प्रदर्शक मानंकु प्रशिक्षण दिया जायछि। ओडिशा रो
ଚାରୁକଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଦେଖ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଅତିଥି ଗୃହମାନ ଖୋଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାନ୍ଥନିବାସ ଓ ପାନ୍ଥିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଭିତରକନିକାରେ ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ପାନ୍ଥନିବାସ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ସଂହତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥ ସୁଗମ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ? ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଓ ଇନ୍ଫୋସିଟି। ଏଇମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏତିକିରେ ତମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ପାଠର ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନୀର କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଏହି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହାରି ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତାହାକୁ କରିବ, ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିବ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଏତିକିରେ ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ଓଭର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସିଭିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।